चलिए बात करते हैं मुंगेली जिले की। यहाँ पर कई विभागों की महिला अधिकारियों ने आनंद आश्रम वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ समय बिताया और उनका हालचाल जाना। उन्हें जरूरत के सामान भी बांटे गए और वादा किया कि वे बीच बीच में आकर उनसे मिलते भी रहेंगे। कोई भी जरूरत होने पर महिला अधिकारियों की टीम उसे हर चीज उपलब्ध कराएंगी। जिले के डीएमएफ फंड से बने वृद्धाश्रम को सबरी संस्था के लोग संचालित कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मदद मिलती रहे तो आश्रम संचालित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लगा और हमको हम लोगों को गिफ्ट दिए और बोले कि क्या चीज की जरूरत है हमें बतलाइए, हम सब देंगे, ऐसा करके बोले। जिले के सभी अधिकारी महिला अधिकारी लोग आए थे और साथ में यहाँ पे हमारे वृद्धजन से बातचीत किए और उनकी हाल पूछे। साथ साथ यह मैसेज भी दिए कि ताकि जो ग्रुप की महिलाएं हैं और साथ में विभागीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ आके सभी वृद्धजन को मिले ताकि उन लोगों को अपनापन महसूस हो। लोग जो है यहाँ आके अपने लिए जो है एक आसरा ढूंढ सकते हैं और साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं तो ऐसे वृद्ध लोग को यहाँ भेजे और उनकी सहायता करें। जो यहाँ आके इनसे मिलना चाहते हैं और इनकी कुछ देखभाल में और कुछ करना चाहते हैं वो भी यहाँ आके इनसे मिल सकते हैं, इनके साथ समय बिता सकते हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रोहित कश्यप मुंगेली से जुड़ चुके हैं। रोहित, एक बहुत अनोखी पहल देखी जा रही है यहाँ पर महिलाओं द्वारा। जो महिला अधिकारी हैं वो वृद्धाश्रम पहुंची हैं और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने वृद्ध लोगों से वादा भी किया है कि वो समय समय पर यहाँ पर आती रहेंगी, उनका हालचाल जानती रहेंगी। तो क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है वृद्धाश्रम में? ठीक है, बिल्कुल, ये अन्य अधिकारियों के लिए प्रेरणादायक पहल है क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि नेता या फिर अन्य वर्ग जो है ऐसे सामाजिक संस्थानों में पहुँच कर फल वितरण या फिर अन्य सामग्री वितरण करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में जो जिले स्तर के जो अधिकारियों की जो टीम है वो शुक्रवार को शाम पहुंची वहाँ और न सिर्फ वहाँ पहुंचे अधिकारी वर्ग बल्कि घंटों वहाँ समय बिताए और वहाँ के जो वृद्ध जन है उनसे बातचीत करने के दौरान हाल चाल जानते हुए जरूरत के सामान भी वितरित किए और भविष्य में भी हर संभव मदद करने की भी अधिकारियों ने आश्वासन दिया। निश्चित तौर पर इसकी हर जगह पर जहाँ जहाँ तारीफ हो रही है क्षेत्र में, और बड़ी बात यह है कि जिस आश्रम में अधिकारी की जो टीम पहुंची थी उस आश्रम का निर्माण डीएमएफ फंड की राशि से मुंगेली के जो कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे हैं उन्होंने अनोखी पहल करते हुए इस फंड का उपयोग किया है और जिसके बाद कई संगठन के जो लोग हैं नेतागण हैं बीच बीच में आते रहते हैं और इस आश्रम का नाम आनंद आश्रम दिया गया है। और बिल्कुल कल जो समय था शाम का वक्त था और जब अधिकारियों की टीम वहां पहुंची तो अधिकारियों ने भी आनंद का अनुभव किया और मीडिया से भी शेयर करते हुए उन्होंने अपनी जो खुशी जाहिर की। बिल्कुल, एक सवाल ये भी उठता है कि सभी संस्था के जो संचालक हैं उनका ये भी कहना है कि यदि इसी तरह मदद मिलती रहे तो आश्रम संचालन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या लगता है कि उन्हें मदद नहीं मिलती है जिसकी वजह से आश्रम संचालित करने में कोई दिक्कत हो रही है? जी, निश्चित तौर पर इससे पहले जो ये आश्रम है ग्रामीण अंचल में संचालित हो रही थी और संचालक के जो सदस्य है उन्होंने हमें बताया कि प्रीति अवस्थी जुड़ चुकी है जो की बीज निगम की अधिकारी है, उनसे बातचीत करते हैं। प्रीति जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। हेलो जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो प्रीति जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ। प्रीति जी, एक अच्छी पहल है आपके द्वारा जो कि महिला अधिकारियों ने आपस में मिलकर एक अच्छी मुहिम शुरू की है। हम जानना चाहेंगे कि हम आमतौर पर ये देखते हैं कि एक दो महिलाएं जरूर आती है लेकिन आपने एक अच्छा कुनबा स्थापित कर लिया, उसके लिए पहल कैसे शुरुआत की गई और साथ में ऐसा आइडिया कैसे आया कि हम सब मिलकर वृद्धाश्रम जाएं और लोगों की मदद करें? ये हमारे मुंगेली जिले में जो हमारे माननीय कलेक्टर सर हैं डॉक्टर सर्वेश्वर नायर पूरे उनके ही विशेष पहल की तो डीएमएफ फंड के द्वारा यहाँ वृद्धाश्रम का वो किया गया है और वहाँ डीएमएफ फंड के द्वारा ही ये बनाया गया है। तो वहाँ लगभग सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, हम लोगों ने ये सोचा कि एक बार हम जाके उनसे मिले, उनका हाल चाल पूछे, उनकी क्या नीड्स है क्या है, और मेरी बाकी अधिकारियों से भी यही अपील है कि वो उनसे जाके बीच बीच में मिले, उनको कैसा फील हो रहा है, क्या है कैसा है ये जाने, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी लोग भी वहाँ जाएंगे, उनका हाल चाल पूछेंगे, उनको काफी अच्छा लगा ये चीज। जब वहाँ पहुँचे तो आपने क्या हालात देखे, क्या हालात वहाँ बेहतर थे या नहीं थे, या जो आपने देखा कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं तो फिर आपने क्या क्या मदद करने की सोचा है कि हम आगे क्या कुछ कर सकते हैं इस आश्रम के लिए? हालात बहुत अच्छे थे, साफ सफाई सब चीज मेंटेन थी, वहाँ के जो सभी संस्था को उनको संचालन के लिए दिया गया है उन्होंने भी काफी अच्छे से सब रख रखा था, कोई परेशानी नहीं थी।
चलिए प्रीति जी, बहुत अच्छी पहल आपकी और उम्मीद करते हैं कि आगे भी लगातार आप इसी तरह आज वृद्धाश्रम में जाकर उनकी मदद करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सोनल जी जुड़ चुकी हैं जो कि नोडल अधिकारी है, उनसे हम बातचीत करते हैं। सोनल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सोनल जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। शायद सोनल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई। लगातार रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरह हमने बात की प्रीति अवस्थी ने हमसे, उन्होंने बताया कि लगातार वो इस प्रयास में जुटे हैं और उनका ये भी कहना है कि जब वो आश्रम पहुंची तो काफी व्यवस्थाएं देखने को मिली। क्या हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह देख रहे हैं कि इसमें कितनी ऐसी अधिकारी महिलाएं हैं जो लगातार आश्रम में आकर वृद्धों की मदद कर रही हैं? शायद रोहित से भी हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल आपको बता दें कि एक मुंगेली में बहुत अच्छी पहल है जिसमें महिला अधिकारियों ने मिलकर वृद्धाश्रम की मदद करने के लिए एक अलग अनोखा बीड़ा उठाया है।